dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, जैसा आप तमाम को मालूम है कि तेलंगाना भर में पिछले दो महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाया जा रहा है। पिछले दो दिन पहले एक अनाउंसमेंट आया है कि KCR गवर्नमेंट की तरफ से कि रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाकर जो है सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक और 1 घंटा जाने आने के लिए 6 बजे छोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं मेरे पीछे के 6 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक में जो है हल्का सा जो है मूवमेंट नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मिरालमटा ईदगाह के पास ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर कालापत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स की तरफ से बड़े पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले सरप्राइज़ विजिट के लिए DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल भी आए हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहादुरपुरा सर्कल है और अपने कालापत्थर सर्कल और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विंग्स भी मौजूद है और बड़े पैमाने पर जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और व्हीकल्स को रोका जा रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम मिलने के बावजूद ये लोग जो है अगर कोई गैर ज़रूरी घर के बाहर फिर रहा है तो उनके ऊपर बराबर केसेस बुक किए जा रहे हैं और चालान किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम देखने को मिल रहा है कि एकदम स्ट्रिक्टली तरीके से जो है यहाँ पर चेकिंग हो रही है। जैसा कि आप देखिए, एकदम बड़े पैमाने पर चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को हर गाड़ी को रोका जा रहा है, उनसे उनका जो है पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं तो देखा जा रहा है, उसके बाद में गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। तो नाज़रीन, हम सच न्यूज़ की टीम हमारे व्यूवर्स को ये कह रही है कि भाई आप अपने घरों में रहिए, गैर ज़रूरी घर के बाहर ना निकले, कुछ एसेंशियल काम है तो घर के बाहर निकले, क्योंकि कोरोना वायरस में केसेस में जो है कमी आती जा रही है, इसकी वजह से जो है रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आवाम अगर उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी तो शायद जल्द से जल्द तेलंगाना में लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और हम जैसा पहले पुरमन तौर पर तेलंगाना में माहौल चलता था वैसा ही चलता रहेगा। अभी कल से लॉकडाउन का रिलैक्सेशन टाइम शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई और 6 बजे तक पूरी आवाम अपने घर में जाके पूरी कंप्लीट लॉकडाउन शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसका कल से हम देख रहे हैं कि हैदराबाद सिटी साउथ जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। आवाम से बहुत अच्छी कोऑपरेशन, जैसे पिछले 1 महीने से जो कोऑपरेशन मिल रही है इसी तरह के कोऑपरेशन आवाम से आ रहे हैं। हम देख भी सकते हैं कि केसेस कम होते जा रहे हैं दिन से दिन, और ऐसा ही डिसिप्लिन रखे तो इस महीने के अंत तक कोरोना पे पूरी काबू आ जाएगी। सर, अभी एक क्वेश्चन ये है, सर जो लोग हैं वो जो है गांजा जैसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आप अगर मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो 20 ईयर्स 21 ईयर्स के जो यूथ है वो लोग उसका इस्तेमाल करने से उनका पूरा लाइफ खराब हो जा रहा है। देखिए, गांजा जैसे सब्सटेंस एब्यूज एक है, इस पर क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ेगी, इससे अनसोशल बिहेवियर बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो है इसकी नशा में कर रहे हैं और एक बार एक केस में आ गए तो उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर नॉर्मल सी में आना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों को प्रॉपर तरह से काउंसलिंग दे, उसको अच्छी रास्ता दिखाए। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश, मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए मोहम्मदिया मंदी हाउस। तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादर बाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।